Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Done editorial plus opinion analysis. Iski series continue thi and today is 13th of October 2023. So ji, aaj hum kya analyze karenge? Ye hai ji Done ka main page jo ke jisme editorial aur opinions hote hain. Isme hum number 1 par जो है तीन एडिटोरियल इन राइटिंग फोरम वायलेंस एंड कंजर्वेशन कॉल ये तीन हम पहले एडिटोरियल वन बाय वन डिस्कस करेंगे. थर्ड ये ओपिनियन है इनमें से मलीहा लोधी वाला ओपिनियन डिस्कस किया जाएगा एंड द किलिंग एयर ये दो ओपिनियन डिस्कस किए जाएंगे. यानी कि टोटल 5 जो है हम आज टूडे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. सो जी शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले ये पीडीएफ जो है मुख्तलिफ चीजों का लिंक्स और डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है. इसके अलावा चैनल्स व्हाट्सएप ये वो जो भी है आप ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन ज्वाइन देयर. चलें जी फर्स्ट एडिटोरियल है इन वेटिंग. ये बेसिकली इस एडिटोरियल के पहले मैं आपको क्रक्स बता दूं. क्रक्स में ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शंस इन पाकिस्तान इसके बारे में बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की डेट दी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या देख रही हैं किस तरह से इसको देख रही हैं इसके बारे में इसने डिस्कस किया है. अगर मैं पेपर पर्सपेक्टिव के अंदर बात करूं तो इसके अंदर मुझे कोई ऐसा डाटा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली. डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पेपर पर्सपेक्टिव. सो हम इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जैसे इसका सरसरी सा व्यू लेंगे डेट व्हाट इज इनसाइड और एडिटोरियल वाले ने क्या कहना चाहा. बेसिकली इन राइटिंग में वो कहता है इलेक्शंस जो है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी. ठीक है ये कौन कह रहा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम जनवरी के अंत तक आपके इलेक्शंस करवा देंगे. ठीक हो गया. पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो करवा रही किसी किस्म का इनिशिएटिव ही नहीं ले रही अपने आप को तैयार ही नहीं कर रही इलेक्शन के लिए. क्यों वो आगे बताता है. वो कहता है कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है थोड़ी 28 जनवरी को कि एक रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है उसमें कहा गया है कि 28 जनवरी को इलेक्शन करवाए जाएंगे मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये हमने नहीं रिपोर्ट दी. और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इलेक्शन करवाएंगे सही जनवरी में करवा देंगे एंड में करवा दें या किसी भी टाइम करवा दें लेकिन करवा देंगे लेकिन कब हम जो है अनाउंसमेंट फाइनल कब करेंगे जब हम अपने डिलिमिटेशन जो है ना उनको नोटिफाई कर देंगे. डिलिमिटेशन यानी कि इलाके हैं मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि किस इलाके को क्योंकि अब नई जो मर्दमशुमारी है जो सेंसिस है उसके मुताबिक पॉपुलेशन चेंज हो रही है एरियाज की. तो जब पॉपुलेशन चेंज होती है तो हल्का बंदियां भी चेंज हो जाती हैं. किसी जो एमपीए या एमएनए का इलाका है वो बढ़ जाता है किसी का कम हो जाता है तो इसे डिलिमिटेशन कहते हैं यानी कि हल्का बंदियां उर्दू में कहना करना इलाके की जो है वो डिविजन करना. तो कहता है जब तक इलेक्शन कमीशन कहता है जब तक ये नहीं हो जाता तो हम तब तक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे. अब इससे क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि देखिए जनवरी में वो कह रहे हैं हम करवा देते हैं इलेक्शन. ठीक है और अभी क्या चल रहा है अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है और नवंबर शुरू होने वाला है तो नवंबर दिसंबर एंड जनवरी तो लेस देन 3 मंथ्स जो है ना वो मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को. 3 माह से भी कम का टाइम मिल रहा है तो उसमें उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ेगा. ये 2-3 काम सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं तो ये उनको लेस देन 3 मंथ के अंदर करना पड़ेगा. क्या फाइनलाइज करना पड़ेगा और अनाउंस करना पड़ेगा तेरा मैनिफेस्टोज. मैनिफेस्टोज बेसिकली होते हैं कि हमारा विजन क्या है हम क्या करना चाहेंगे किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर करेंगे किस कहां पे पैसे लगाएंगे कैसे हमारे तल्लुक यानी कि अपना विजन एक्सप्लेन करना जिसको पार्टीज का मैनिफेस्टो कहा जाता है. उसके बाद लास्ट ईयर कंपेन अपनी कंपेन करना लोगों यानी कि कंपेन करना कि वोट दो हमको. ठीक है इंटरव्यू करना कैंडिडेट का और टिकट्स देने यानी कि जिनको इलेक्शन पर खड़ा करना है वो कैंडिडेट ढूंढने फिर उनको टिकट्स देने ये काम करना और उसके बाद मोबालाइज करना देयर कैडर्स को टू प्रिपेयर वोटर्स फॉर ए बिग डे यानी कि इकट्ठा करना अपने जो भी बंदे हैं जो टिकट होल्डर हैं उनको और इसके अलावा जो यानी कि मुख्तलिफ किस्म के यंग यूथ क्लब हैं इनको ताकि वो वोट वाले दिन वोट डालें. अब ये सारे काम पोलिटिकल पार्टीज को 3 माह के अंदर अंदर करने पड़ेंगे लेकिन हो कर रहा है
वो ये रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिलीव ही नहीं कर रही, ठीक है, और वो फील कर रही है कि कोई इलेक्शन वगैरह इस ये नहीं करवाएंगे जनवरी में, ये पॉलिटिकल पार्टीज का व्यू है। और इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि जब तक फाइनल डेट नहीं ना दे देते तो हम अपनी कंपेन शुरू ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं शुरू करेंगे? क्योंकि अगर वो कंपेन अपने यानी कि रिसोर्सिस को वो वेस्ट नहीं करना चाहते, स्पेशली पैसा, जो अभी 3 महीने रह गए हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं जनवरी में इलेक्शन करवा देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कंपेन शुरू कर दें, अपना पैसा लगाना शुरू कर दें, और एंड पर जाकर इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि अभी जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, फरवरी में होंगे या मार्च में होंगे या अप्रैल में होंगे, कोई और एक नया बहाना लगा दे। तो इस वास्ते इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रही हैं कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमको एग्जैक्ट डेट फाइनल डेट नहीं देता, हम कोई भी पॉलिटिकल कंपेन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस चक्कर में पॉलिटिकल कंपेन शुरू कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे जाया हो जाएंगे। तो इसके वो आगे एडिटोरियल वाला भी यही कहता है हमको कि बेटर यही है कि आप वो लोग वेट करें, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज वेट करें। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसके बारे में वो ये कहता है कि वो ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 दिन के अंदर करवाओ, यानी कि 3 माह में, ठीक है, और ये 5 मंथ्स में भी नहीं करवा रहे, 5 मंथ्स में भी कह रहे हैं करवाएंगे यानी कि जनवरी में, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये दोबारा भी क्या कर सकते हैं, यही अगेन जो है डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो लिहाजा पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने पैसे बचा के रखें ताकि जब ये डेट एग्जैक्ट अनाउंस करें उसके बाद आप अपनी कंपेन शुरू करें। तो ये था जी इसके अंदर, इन वेटिंग के अंदर के सारी पॉलिटिकल पार्टीज वेट कर रही हैं डेट का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करे एग्जैक्ट डेट। ये था फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। सेकेंड एडिटोरियल है कोरम वायलेंस। कोरम वायलेंस इसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि किस तरह से पाकिस्तान की इस एजेंसी के अंदर जो सेक्टेरियन बेसिस, ठीक है, और प्लस लैंड को लेकर जो है उसका जो पाकिस्तानी है उनके दरमियान लड़ाई हुई है, और ये थर्ड टाइम लड़ाई हुई है जिसकी वजह से इस फाइटिंग की वजह से काफी लोग जो है 5 से लेकर 20 तक लोग जो है वो फौत हो गए हैं। तो इसमें वो बताता है कि व्हाट इज द कॉज और ये क्यों लड़ाई हो रही है, और देन वो बताता है कि इसको सोल्व कैसे किया जाए, और अगर हम सोल्व नहीं करते तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और सोल्व किस तरह से करना है वो तरीका भी बताता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर वो एक्सप्लेन करता है। पहले मैं आपको बता दूं कि कोरम क्या है ताकि आपको कोरम के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कोरम बेसिकली अगर आप देखें पाकिस्तान का ये मैप है, और ये वाला जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये है केपी के, खैबर पख्तूनी का, ठीक है ना, और केपी के अंदर ये वाला जो आपको रेड कलर का सर्कल नजर आ रहा है ये है कोरम एजेंसी, ठीक है, कोरम एजेंसी, और यही आप यहाँ पर बड़ा मैप करके मैंने दिखा दिया, ये कोरम एजेंसी है, अफगानिस्तान के साइड इसको बॉर्डर लगता है एक तरफ से, ठीक है, और ये इसकी जो है आपको लोकेशन, ताकि आपको समझ आ जाए कि वो कहाँ पर ये वाकया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी प्रोविंस है केपी के, और उसका एक डिस्ट्रिक्ट है खैबर एजेंसी। बेसिकली ये 7 7 एजेंसीज थी, ठीक है ना, और इनको फाटा कहा जाता था, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, और ये 7 एजेंसीज को मिलकर बनाया जाता था। इफ आई डोंट फॉरगेट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई है उसके तहत इसको क्या किया गया, केपीके का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है ना, जिसको आप अगर मैं थोड़ा सा आपको और सादा अल्फाज में कह दूं कि अक्सर आपने सुल्तान रही की फिल्म देखी होगी या शान की फिल्म देखी होगी जिसमें वो वायलेशन करता है, मर्डर करता है, और उसके बाद वो इलाका गैर में चला जाता था, ठीक है, पठानों के पास, अपने दोस्तों के पास, वो इलाका गैर जो हम वर्ड सुनते थे वो ये वाला था, ये वाला इलाका था, ये 7 एजेंसीज का, जिसको हम फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज कहा जाते थे। इसको इलाका गैर इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो है एक अलहदा से ला था जो इम्प्लीमेंट होता था, यहाँ पर रिट ऑफ द स्टेट नहीं थी, यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो ला है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, ठीक है जी, तो इसलिए इसको इलाका गैर कहा जाता था। तो 25th जो है अमेंडमेंट है उसके तहत इसको क्या कर दिया गया, केपीके का हिस्सा बना दिया गया, और अब इसको ये जो एजेंसी थी 7 इनमें से एक थी कुरम एजेंसी, इस कुरम एजेंसी को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, ठीक है, और या भी ये कहलाता है कुरम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो है ये लड़ाई हुई है जमीन को लेकर और फिरका वारियत को लेकर, शिया और प्लस सुन्नी इनके दरमियान, ठीक है, तो ये लड़ाइयां होती रहती हैं और ये थर्ड टाइम हुई है। अब लड़ाई में हुआ क्या है जी, कहता है जी, अब मैं आपके आपके एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोरम वायलेंस में कहता है कि केपी के कोरम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना,
केपीकी का ये एक डिस्ट्रिक्ट है और ये फॉर्मर ट्राइबल एजेंसी है जो मैंने आपको बता दिया फाटा की एजेंसी थी एक, ठीक है, और इसका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। ठीक है, लेटेस्ट जो डेडली क्लैश हुआ है ये तीसरी दफा हुआ है, ठीक है, ऑफ इट्स नेचर इस साल के अंदर, और यहाँ पर 9 से लेकर 20 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। और ये क्यों है, ये जमीन को लेकर और सेक्टेरियन वायलेंस को लेकर, इन दो चीजों को लेकर पार्टी के दरमियान आपस में लड़ाई होती है। सेक्टेरियन वायलेंस में यहाँ पर शिया है प्लस सुन्नी है, ठीक है, तो आपको काफी वीडियोस इसकी अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी लड़ाई की, जिसमें आग लगा दी जाती है घरों को एंड मुख्तलिफ जगहों को और काफी कुछ होता है। अब आ जाए जी जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव है कि इसका सोल्यूशन क्या है जी, लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन क्या है, वो तो इंसिडेंट हो गया ना। अब बिंग अ स्टूडेंट ऑफ कंपेरेटिव एग्जाम्स, बिंग अ इंटेलेक्चुअल, अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो एडिटोरियल वाला देता है वो कहता है अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज नीडेड टू ब्रिंग मोर ड्यूरेबल पीस इन दिस ट्राइबल एरिया। तो सोल्यूशन लॉन्ग टर्म हमें चाहिए यहाँ पर, और उसके लिए क्या किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा 2-3 मेन बंदे जिनकी वहां पर सुनी जाती है। वहां पर किसकी सुनी जाती है, स्टेट को किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ट्राइबल एल्डर्स को। जो ट्राइबल एल्डर्स है वहां पर जो कबीले के बड़े सरदार हैं या जिरगे वाले हैं जिनकी बात मानी जाती है, और क्लर्जी यानी कि जो रिलीजियस लीडर है वहां के, इन दो बंदों को आपको कि इनकी उन इलाकों में ज्यादा बात सुनी जाती है। तो स्टेट को चाहिए इन दोनों को क्या करे, इन्वॉल्व करे इस काम के अंदर। फिर दो डिस्प्यूट है जी, इन दोनों डिस्प्यूट को, पहले है लैंड डिस्प्यूट। लैंड डिस्प्यूट को किस तरह से किया जा सकता है, जो जुडिशियस डिसीजन है मस्ट बी रीच्ड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल दैट रीजन कैन मूव अहेड। कि क्या किया जाए, वहां पर लीगली तौर पर देखा जाए कि यार किसका राइट बनता है, जिसका भी राइट बनता है उस लैंड के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, उसको वो जमीन दे दी जाए, और इसके बाद दूसरे जो पार्टी है उसको भी ये बताया जाए कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय द प्रेशर ऑफ दीज टू मेन पिलर्स। ठीक है, सेक्टेरियन प्रॉब्लम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो रिलीजियस लीडर हैं वो जो है अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहां पर पुट अप करें, जो उनके मेन लीडर्स हैं जो शिया के प्लस सुन्नी के, तो वो बैठे और इस चीज को लेकर वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और स्टेट क्या करे, इनकी तरफ मूव करे और इनको कहे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये जो थी उसके अंदर उसने एक्सप्लेन व्हाट इज द लॉन्ग सॉल्यूशंस। आगे वो कहता है कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा, अगर इस चीज को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इफ वी अनएबल और इफ वी फेल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन व्हाट विल बी हैपन इन पाकिस्तान। उसके बारे में वो बताता है कि अगर ये सेक्टेरियन टेंशन जो है ना ये बड़ी तेजी से फैलती है, ठीक है ना, एंड अफेक्ट द कम्यूनल पीस इन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का बाकी इलाके है ना, वहां पर जो कम्युनिटीज रह रही हैं, जैसे शिया हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज के अंदर, सुन्नी हैं, और इसके अलावा अगर अगर आप देखें तो जो अपना एथनिक बेसिस के ऊपर लोगों की आपस में है, पठान हैं, पंजाबी हैं, तो इस तरह से हम लोग मुख्तलिफ एरियाज के अंदर रह रहे हैं। तो अगर इस चीज को एड्रेस नहीं किया जाता तो ये आपको पता है मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, सॉरी मीडिया तो छोड़े, सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोज एक मिनट में कहाँ से कहाँ चली जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी क्या होगी, टेंशन पैदा होगी, जो कि अच्छा नहीं है, इंटरनल पीस डिस्टर्ब होगा सोसाइटी, ठीक है। तो ये इस तरफ पाकिस्तान को लेके जाता है अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते। तो स्टेट को करना क्या चाहिए, एक विजिलेंट आई अपनी रखनी पड़ेगी ऑन दोज उनके ऊपर जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं कम्युनल स्टेबिलिटी को, उस ऐसे एक्टर्स हैं ना जो इसको यूज करते हैं पाकिस्तान के इन चीजों को टू स्टेबलाइज पाकिस्तान। तो उनके ऊपर पाकिस्तान को क्या रखनी पड़ेगी, एक विजिलेंट आई रखनी पड़ेगी, एक ध्यान रखना पड़ेगा उनका, ठीक है। और उसके बाद जो सेक्टेरियन हेट मटेरियल है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपको पता है कि आग की तरह फैलता है, तो उसके ऊपर भी चेक लगाना पड़ेगा, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा मटेरियल जो फिरका वारियत को ग्रो करता है वो आग की तरह फैलता है, एक बंदा आगे शेयर करता है वो आगे शेयर करता है, तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को, एक इसके ऊपर अटेंशन लेनी पड़ेगी, इसके ऊपर चेक लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक अलहदा से काम है, वो क्या है, जो टेक फर्म है जो टेक्नोलॉजी को डील करती हैं, तो वो क्या करें, आइडेंटिफाई करें और डिसेबल करें इनके अकाउंट्स जो कि इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं प्रमोटिंग वायलेंस, यानी कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर, अपना सोशल मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है एंड मैनी मोर। तो पाकिस्तान की जो टेक फर्म्स हैं जो टेक्नोलॉजी को डील कर रही हैं, वो जो है मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनको यूज करें, इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद इनके अकाउंट्स को बंद किया जाए, और उस सेकेंडली जो है एक लीगल प्रोसीडिंग्स इन लोगों के खिलाफ भी चलाई जाए, ताकि ये जो लोग हैं इनको सजा दी जाए।
तो इससे क्या होगा, ये काम जो है ये रुक जाएगा, ये जो सेक्टेरियन जो मटेरियल है फैलाने वाला, ये काफी हद तक रुक जाएगा। अगर वो कहते हैं एंड इन सच मटेरियल, इफ एंड इन सच मटेरियल डज गो वायरल सो ऑफ्टन हैपेंड, अगर कहता है कि अगर फिर भी ये मटेरियल वायरल हो जाता है तो फिर क्या करना होना चाहिए, जो क्लैरिक्स हैं और कम्युनिटी एल्डर्स हैं उनको ठंडा रखना चाहिए अपने आप को, अपने आप को ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनको तैश में नहीं लेके आना चाहिए। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले और इसको वायरल ही ना होने दे ऐसी चीजों को, ठीक है, कंट्रोल करे। अगर गवर्नमेंट कहीं कहीं ना खुदा ना खास्ता फेल हो जाती है किसी एक वीडियो को कंट्रोल करने में और वो वीडियो वायरल हो जाती है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ये काम हुआ है, तो जो क्लैरिक्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं और कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के जो बड़े हैं, सियाने बंदे समझदार हैं जो लीड कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो कूल टेम्पर रखें, अपने आप को ठंडा रखें, ना कि जज्बाती हूँ और यूथ को लेकर बाहर निकले और जाकर दंगा फसाद और लड़ाई करें, बल्कि टेम्पर को कंट्रोल में रखें और पुरसकून तरीके से इस चीज को हैंडल करें। दैट इज द सेकेंड एडिटोरियल। आगे जी थर्ड वन, थर्ड वन में वो करता है कंजर्वेशन कॉल। कंजर्वेशन बेसिकली, पहले मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बेसिकली होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, सेफ गार्ड करना, सेफ गार्ड साबन है ना, इस तरह सेफ गार्ड वो आपको जरा सिंह से बताता है, तो ये भी कंजर्वेशन काल है। काल का मतलब है बुलाना, तो आओ बुलाया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए। किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसमें वो बताता है आपको, पहले तो छोटी सी वो एक स्टोरी बताता है जो इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद वो आगे बताता है, उन जानवरों को, उन एनिमल्स को जो के एंटीक रह गए हैं, यानी कि बहुत थोड़े रह गए हैं पना, और जिनकी नस्ल खत्म होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो उनको बचाएं, उनको सेव करें, ये काल है जी, ठीक है। अब यहाँ पर वो जिक्र करता है कगान का, कगान वेली का, इसके अंदर वो कगान वेली का जिक्र करता है। तो पहले मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद आगे ओपिनियन बेस जो है या एडिटोरियल बेस हम चीजें आपको, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि सजेशन क्या है, रीजन क्या है, वो नेक्स्ट फेज है। तो पहला फेज है स्टोरी का, दैट इज वॉट इज द स्टोरी, वॉट इज द कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले तो आपको बता दूं कि वो बात यहाँ पर होगी किसकी, कगान वैली की। पहले वो कगान वैली की लोकेशन देख लें जी, ये पाकिस्तान का मैप है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये आपको पाकिस्तान का छोटा मैप नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेड कलर का है ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मानसहरा है। सॉरी, ये जो मैप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, सॉरी ये वाला मैप आपको नजर आ गया, ये तो पूरे पाकिस्तान को उसने मैप बना दिया। उसके बाद यहाँ इस दूसरे मैप पे आ जाए, दूसरे मैप के ऊपर ये पूरा पाकिस्तान क्या है, दूसरे मैप के ऊपर ये जो इलाका है ये है केपी के, खैबर पख्तूनी का, ठीक है। ये जो रेड कलर का इसका है ये है डिस्ट्रिक्ट मानसहरा, और आगे फिर ये जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है ये आ रही है कगान वेली। आगे उसने फिर कगान वेली को भी एक्सप्लेन किया, मैं उस तरफ डीपली नहीं जाऊंगा, मेरा जो काम है वो सिर्फ कगान वेली तक ही है, तो मैं ज्यादा वो इसके अंदर नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा, टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, मटेरियल तो देखा, ये भी आपको यूजफुल होता है, लेकिन फिर हम बेसिक जो हमारा मेन पर्पज होता है उससे हट जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर टाइम जो है टेंशन नहीं रहती, तो हम बस यहाँ तक बताने का मकसद ये है कि कंजर्वेटिव काल में कगान वेली का जिक्र हुआ है, और कगान वेली कहाँ है वो मैंने आपको लोकेशन बता दी है, दैट इज केपी के, केपी की का डिस्ट्रिक्ट है मानसहरा, और मानसहरा के अंदर है ये वाली कगान वेली, ठीक है जी। और ये बालाकोट है, मानसहरा है, खैबर पख्तूनी कहाँ है, ये सारे इसके अंदर जाकर आपको कगान वेली मिल जाएगी। अब आते हैं जी आगे, ये बात क्या हुई थी, बात ये होती है कि कगान वेली के अंदर एक रिवर है, ठीक है, और उस रिवर का यहाँ पर मैंने कुनहार रिवर, ये वाला जी, ये है जी कुनहार रिवर। कुनहार रिवर की ये एक ट्राइब्यूटरी है, ट्राइब्यूटरी में आपको बता देता हूँ कि ये एक मेन रिवर होता है, जैसे ये मेन रिवर जाता है तो उसके अंदर एक छोटा नाला जो आप कह लें, ये छोटी एक चीज आके उसके अंदर गिरती है, उसको कहते हैं ट्राइब्यूटरी। ये जोग्राफिया की कहते हैं, जिन स्टूडेंट ने जोग्राफिया पढ़ा उनको आइडिया होगा। तो ट्राइब्यूटरी के एक स्ट्रीम दैट फ्लोज इन टू अ लार्जर स्ट्रीम ऑफ रिवर, के एक छोटी स्ट्रीम जो बड़ी के अंदर मिक्स होती है। अब हुआ क्या, ये वाला जो रिवर है ये चल रहा है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी ट्राइब्यूटरी आ रही है, ठीक है। अब इस ट्राइब्यूटरी के अंदर ये इसका पानी जो है जहर आना था ट्राइब्यूटरी का इसके अंदर, लेकिन इसका वाटर लेवल इतना हाई हो गया कि ये वाला जो पानी है यहाँ का यहाँ ही रुक गया। जब ये पानी यहाँ का यहाँ ही रुक गया तो ये वाली जो फिश है, इसका नाम है स्पेशल, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली फिश जो है ये यहाँ पर फंस गई, क्योंकि इसने इसके अंदर आना था लेकिन ये यहाँ पर फंस गई, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इस फिश को वहां से 40,000 के करीब आई थिंक सो जो है ये फिशेस थी, तो इनको वहां से निकाल कर आगे
इसके अंदर रिवर के अंदर फेंका गया और ये इनकी लाइफ को बचाया गया। तो ये एक काम किया था। तो फिर आगे दूसरी, अब इस फिश के बारे में भी बताया जाता है कि इसकी नस्ल भी बहुत थोड़ी है पाकिस्तान के अंदर, तो लिहाजा इसको हमने बचाया है। ठीक है, अब आ जाए जी, ये आपको मैंने स्टोरी बता दी, अब आ जाए मेन स्टोरी राइटिंग में आ जाए, वो पिक्चर से तो आपको बता दी। कहता है इन्हें रेस्क्यू मिशन, एक रेस्क्यू मिशन किया गया, किसने किया, कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया रिसेंटली, जिसमें 40,000 स्नो ट्राउट, ये जो फिश है इसका नाम है, ये वाली जो है ये है इसका फिश है स्नो ट्राउट, इसका नाम है, ट्राउट तो होता है लेकिन इसका नाम है स्नो ट्राउट। ठीक है, तो इसको 40,000 के करीब इनको बचा लिया गया। अब ये कहा क्यों, कैसे बचाया, क्योंकि ये ट्रैप्ड फंस गई थी ट्रिब्यूटरी के अंदर। ट्रिब्यूटरी मैंने आपको बता दिया कौन सी है, तो कनौर रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसके अंदर फंस गई थी, क्योंकि उसका पानी का लेवल काफी हाई हो गया था। ठीक है, तो वहां से इसको बचा लिया गया, और यानी कि वास्ट ट्रिब्यूटरी से निकालकर इनको मेन रिवर के अंदर फेंक दिया गया और इनकी जान को बचा लिया गया। ठीक है, तो आगे जी कहता है कि ये जो डेडिकेशन है ना, ये बड़ी अच्छी रही है, एक अच्छी डेडिकेशन है नेचुरल हेरिटेज को बचाने की। ठीक है, नेक्स्ट आगे वो कहता है, ये उसने मेन स्टोरी बताने के बाद नेक्स्ट वो बताता है कगान वैली के बारे में। अब कगान वैली की कुछ वो चीजें बताएगा मेन मेन, वो कहता है कगान वैली इज नॉट ओनली रीचिंग नेचुरल ब्यूटी, सिर्फ नेचुरली तौर पर वो खूबसूरत नहीं है, बट ऑल्सो बूस रिमार्केबल डिवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा एंड फ्योना का वर्ड यहाँ पर मैंने यूज किया, फ्लोरा एंड फ्योना होता है किसी एक खास इलाका है, उस खास इलाके के अंदर जो एनिमल्स हैं प्लस एनिमल्स के साथ साथ जो वहां पर प्लांट्स हैं। ठीक है, इस खास रीजन के अंदर जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उन सबको मिलकर अगर हम उनकी बात करें, किसी खास रीजन या एनवायरमेंट के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, एनिमल्स भी सारे और प्लांट्स भी सारे, उन सबको मिलकर अगर यूज किया जाए तो फ्लोरा एंड फ्यूना वाले टर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं कगान वैली के अंदर जो कि डाइवर्स हैं। ठीक है, जिनमें से वो कहता है कि इनडेंजर्ड, खतरे में है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, लेपर्ड आपको पता है कि चीते के जैसा एक होता है, चीते की शक्ल का एक एनिमल होता है, उसको लेपर्ड कहते हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। तो वो स्नो लेपर्ड बर्फ में रहने वाला, क्योंकि सिंबल है आवर रीजन बायोडाइवर्सिटी, ये इस रीजन के अंदर कगान वैली के इलाके में स्नो लेपर्ड पाया जाता है, बर्फानी चीता जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो ये बायो रीजन की डाइवर्सिटी है, इसको दूसरे इलाकों से डिफरेंट करता है। कहता है कि ये भी इंडेंजर है, इंडेंजर क्या है कि इसकी नस्ल जो है वो खतरे में है, थोड़े रह गए हैं, थोड़े से रह गए, अगर वो भी मर जाते हैं तो ये नस्ल ही खत्म हो जाएगी। इट्स सर्वाइवल इज थ्रेटन्ड बाय क्लाइमेट चेंज, ये सारा क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, एज इट नेविगेट्स चेंजिंग लैंडस्केप, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहे हैं, इलाकों के जो लैंडस्केप हैं वो चेंज हो रहे हैं, इलाकों की सूरत हाल चेंज हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जो जानवर हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरी वो बात कहता है कि इसी तरीके से एक और भी स्पीशीज है जिसका नाम है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। ठीक है, जो कि यूनिक है, पाकिस्तान के वाटर्स के अंदर पाई जाती है, ये भी क्या, इसको भी थ्रेट है। ठीक है, फोरम हैबिटेट डिग्रेडेशन, ठीक है, फिशिंग पकड़ना इसको जो नेट है उसके सूरत में इंसिडेंट, पोल्यूशन है वहां पर, दरिया के अंदर गंदगी है उसकी वजह से, एंड टू बी इवन किल्ड बाय इग्नोरेंट पीपल। इग्नोरेंट पीपल, इसमें बेसिकली इग्नोरेंट पीपल से उसका कहने का मकसद ये है, जब आप फिशिंग करते हैं ना तो असल में बेसिकली इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि फिशिंग जो होती है ना उसकी एज के हिसाब से फिशिंग की जाती है, स्पेशली जो छोटी होती है ना, स्मॉल होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी कभी भी उनकी हंटिंग नहीं की जाती, उनको छोड़ दिया जाता है ताकि जो है वो उसके अंदर क्वांटिटी कम ना हो उस चीज़ की। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन तो है नहीं, जितनी साइज की पकड़ी जाती है वो पकड़ लेते हैं। तो इन कुछ वो चीज़ों की वजह से कहता है कि ये वाली जो फिश इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है ये भी खतरे में है। आगे और भी स्पीशीज की बात वो करता है यहाँ से, क्योंकि वर्ड्स इतने हैं कि अगर मैं इनको वर्ड्स को एक्सप्लेन करूँ तो फिर वो आपको समझने में मुश्किल आ रही होगी, तो मैंने सोचा मैं पिक्चर ही लगा देता हूँ ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए कि किस बर्ड किस स्पीशीज की बात हो रही है। कहता मैनी अदर स्पीशीज आर आल्सो एंडेंजर्ड इन पाकिस्तान, और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं इनके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर खतरे का शिकार है। उसमें क्या है, होबरा बस्टर्ड, होबरा बस्टर्ड ये देख रहे हैं जी आप पहले नंबर पर, ये वाला जो है ये है जी होबरा बस्टर्ड, इस परिंदे को कहते हैं। दूसरे नंबर पर मारखोर का तो आपने सुना ही होता है, ये वाला मारखोर है पाकिस्तान का एनिमल जो है नेशनल एनिमल। नंबर थ्री पर पेंगोलिन, पेंगोलिन इसको कहते हैं नंबर थ्री वाले को। ठीक है, तो ये जो तीन उसने बताई हैं पिक्चर्स दिखाई मैं आपको दिखाई हैं एनिमल्स, ये भी इंडेंजर्ड है। तो ये सारे के थारे क्या है,
आर फेसिंग थ्रेट्स लाइक हैबिटेट लॉस, उनका घरों का जो है वो घर नहीं रहे, जिनके जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं ना जिंदा, वो इन्वायरमेंट चेंज होती जा रही है, जिसकी वजह से इनका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा इनकी हंटिंग की जाती है, इनको यानी कि शिकार कर लिया जाता है, पोचिंग एंड क्लाइमेट इंड्यूस चेंजेस, कि इनको इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाना पड़ता है। जिनके फॉर एग्जाम्पल एक इलाके में जानवर रह रहे हैं, ठीक है, तो उस इलाके पे आप आ जाते हैं, वहां पर आप दरख्तों को काटना शुरू कर देते हैं, उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं, तो जानवर क्या करेंगे, थ्रेट होंगे ना, तो फिर उस इलाके को छोड़कर वो कहीं और जाना शुरू कर देंगे। जब और जाएंगे तो वो हो सकता है जो नया इलाका है उनके एनवायरमेंट के मुताबिक ना हो, तो उनके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। आगे वो कहता है कि अब हमारे जो मैंग्रोव्स हैं, वो भी मैंग्रोव्स बेसिकली क्या होते हैं, मैंग्रोव्स, ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, आपको समझ आ जाएगी, ये एक कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया कहते हैं, यहाँ पर जमीन है और ये पानी है, समुंदर है, ठीक है, और इसकी ये वाला जो एरिया होता है ना जहाँ पर पानी भी होता है थोड़ा थोड़ा, तो वहां पर कुछ दरख्त उग जाते हैं, ठीक है ना, इनको मैंग्रोव्स कहते हैं। अब यहाँ पर जब ये दरख्त उगते हैं ना, इनके इनका बड़ा फायदा होता है, इनका फायदा ये होता है कि यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना सी प्लांट्स, जैसे एक लफ्ज बोला जाता है कि समुंदर में पानी पाए जाने वाले पौधे, तो इनकी जो जड़ें होती है ना, ये नीचे नीचे उसके नीचे भी सी प्लांट्स उगे होते हैं, उन प्लांट्स को कौन खाता है, मछलियां खाती हैं, फिश, ठीक है, और दूसरे बड़े यानी कि जो मुख्तलिफ फिश अपना सी एनिमल्स है ना, वो यहाँ पर रहते भी हैं, इनको खाते भी हैं और इंजॉय करते हैं और यहाँ पर बच्चे देते हैं, अफजैश करते हैं, तो ये बड़ा एक जरूरी होता है फिशेज के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कि जो हमारे मैंग्रोव्स है ना, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, वो कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, अंडर थ्रेट है, कैसे जी, सी लेवल बढ़ता जा रहा है, जब सी लेवल बढ़ेगा तो ये जा रहा है पानी यहाँ तक है, जब यहाँ तक आ जाएगा तो डेंजर हो गया ना, काम खराब हो गया ना। ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों की अमल दखल बढ़ी है, यहाँ पर आके अगर वो शिकार करना कर शुरू कर देंगे तो जानवर नहीं आएंगे। क्रिटिकल हैबिटेट्स, फर्दर एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो ये सारा क्या हो रहा है, इसके वजह से वो कह रहा है कि ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, लिहाजा क्या किया जाए, ऐसी एफर्ट्स की जाए जिनसे क्या हो, इन चीजों को बचाया जा सके। अब मैंने आपको सारी चीजें पीछे बता दी, इसने पहले तो उसने एक मछली से शुरू किया कि उनको रेस्क्यू किया, फिर उसने आगे पूरी एक जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दूसरी स्पीसीज हैं जो डेंजर में हैं उनके बारे में बताया, 5-6 कैटेगरी की हैं कि वो इन डेंजर हैं, उनका शिकार किया जा रहा है, उनको ये किया जा रहा है, वो माहौल की वजह से तंग हो रही हैं, ठीक है ना, पोल्यूशन की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं, तो वो हो सकता है पाकिस्तान में अगर हम एक्शन ना लें तो वो खत्म हो जाए, जो कि फिर पाकिस्तान की डाइवर्सिटी जो है दूसरे मुल्कों से डिफरेंट होना वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी उसने बातें कर दी। अब वो आ जाता है कि अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है, और इससे हम कैसे बचा सकते हैं इनको, अब उस पर आ जाता है, ठीक है। पहले वो बताएगा कि ये जो इन डेंजर्स में आई हुई हैं चीजें क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो क्या क्या हो रहा है उससे, क्या वजह क्या है, और सेकेंडली वो बताएगा आपको कि हम कर क्या सकते हैं इनको बचाने के लिए। तो कहता है कि क्लाइमेट चेंज, माहौल की जो तब्दीली है, पोज अ ग्रेव चैलेंज टू दीज स्पीशीज एज इट डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली कहते हैं कि जो माहौल होता है जिसमें वो रहते हैं, ठीक है ना, उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। क्लाइमेट होता है जो बाहर वाली इन्वायरमेंट होती है सारी की सारी, उसको कहते हैं क्लाइमेट। तो कहता है कि ये एक उनके इकोसिस्टम को चैलेंज कर रहा है क्लाइमेट चेंज, एंड फोर्स देम टू अडाप्ट और पेरिश, और उनको फोर्स कर रहा है, उनके ऊपर उनको मजबूर कर रहा है, या तो वो इसके मुताबिक अपने आप को अडाप्ट कर लें या फिर छोड़कर चले जाएं। अब उसमें क्या है कि क्लाइमेट चेंज में क्या क्या आ रहा है, राइजिंग टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जमीन का मुख्तलिफ वजूहत की वजह से, प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है वो चेंज हो रहे हैं। प्रेसिपिटेशन एक वर्ड है ज्योग्राफी में, ये अक्सर यूज होता है, ये बेसिकली होता है कोई भी चीज जो आसमान से गिरती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, खास तौर पे जो वाटर में होती है, वाटर शेप की होती है, अंदर होती है, लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। जैसे ये रेन है, स्लीट है, स्नो है, हाल है, यानी कि अगर बारिश होगी पानी की शक्ल में वो भी प्रेसिपिटेशन है, अगर आई स्नो आएगी थोड़ी थोड़ी पड़ेगी वो भी है, अगर ओले पड़ेंगे वो भी है, अगर फोग है तो वो भी है, ये सारी की सारी को एक ही टर्म में आप पूछ सकते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इनके पैटर्न चेंज हो रहे हैं, अगर एक साल पहले यहाँ पर बारिश होती थी, अब यहाँ पर बारिश ही नहीं, बहुत कम होती है, और दूसरे इलाके में जहाँ पर बर्फबारी बहुत ज्यादा होती थी अब वहाँ पर बर्फबारी बड़ी कम होती है, जहाँ पर गर्मी होती थी वहां पर बर्फबारी हो रही है,
तो जहां पर गर्मी में इलाके में बर्फबारी होती थी वहां पर एक स्नो लेपर्ड रहता है। अब वहां पर बर्फबारी हो ही नहीं रही, तो स्नो लेपर्ड तो उसकी तो स्नो वो कहाँ से स्नो लेके आएगी, उसको फिर इलाका बदलना पड़ेगा। तो ये सारा क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी ये जानवर हैं उनको जिंदा रहने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो कहता है आप क्या करना है, वो आता है रेस्क्यू ऑफ द स्नो ट्राउट। क्या आगे वो जाके फिर कहता है कि जो रेस्क्यू किया गया था ना उस मछली को, बड़ा एक अच्छा काम किया गया था, लेकिन अब और जरूरी क्या है कि अवेयरनेस कंपेन जो है वो की जाए, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी, ताकि जो माहौल की वजह से तब्दीलियां आ रही हैं उन पर भी काबू पाया जा सके, और ताकि लोगों को भी समझाया जा सके कि यार इनका शिकार ना करो, ये एंटीक है, ये बड़े इनडेंजर्ड में है, स्पीशीज है, ये खत्म हो जाएंगी, तो इनका शिकार ना करो, उन इलाकों को पोल्यूशन उनकी वहां पे ना फैलाओ, और दूसरे जो भी ऐसे काम जिनकी वजह से इन स्पीसीज की जान खतरे में है वो काम करने से रोका जाए, अवेयरनेस कंपेन की जाए, लॉ प्रूव किया जाए, इन्फोर्समेंट की जाए, ठीक है ना। तो एंड पे वो कहता है ये हमारी जिम्मेदारी है टू एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल रेस्क्यू। सिर्फ ये एक सिंगल हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया ना मछली बचाने वाला, उससे आगे हमें जाकर सोचना पड़ेगा कि हमें लाइफ लॉन्ग जो है ना कमिटमेंट करनी पड़ेगी टू प्रिजर्व द डाइवर्स स्पीशीज दैट मेक पाकिस्तान नेचुरल वर्ल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्योंकि इन इन्हीं जानवर, ये नेचर नेचर है, यही नेचुरल है, इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट बन रहा है। और अगर पेपर परस्पेक्टिव में बात करूं तो क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, रिगार्डिंग ऐसे परस्पेक्टिव, और करंट अफेयर और अफेयर में भी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज में आप इस सारे का सारा यू कैन पुट दैट डाटा इन क्लाइमेट चेंज। सो जी ये थे हमारे जो हमने किए थे एडिटोरियल। अब हम चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हमारे होंगे ओपिनियंस। ले जी, पहला ओपिनियन जो है वो है द किलिंग एयर। यहाँ पर ये है कि मैंने ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने इनकी स्लाइड्स नहीं बनाई, तो मैं इनको इधर से आज डिस्कस कर देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। अगर आपके पास है तो ये किलिंग एयर काफी इसके अंदर डाटा है, आपको ये पढ़ना चाहिए और ये समझ लें कि एक शॉर्ट ऐसे की शक्ल में उसने इसको लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट ऐसे की फॉर्म में उन्होंने इसको उसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, अब आप गौर से सुनते जाएं, व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस। इसमें जो है वो एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेगा और बात करेगा लाहौर की और पिशावर की, पाकिस्तान के दोनों सिटीज हैं, इनके बारे में बात करेगा और बताएगा कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है उसके हिसाब से क्या लेवल है। और असल में जो उसका ये देखे ना, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैन इंक्रीज इफ वी मीट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर बात करने का मकसद वो क्या कर रहा है, उसने जो है ये एयर क्वालिटी को हेल्थ से, लाइफ से लिंक कर दिया, एयर क्वालिटी को किससे लिंक कर दिया, लाइफ से, कि अगर एयर की क्वालिटी अच्छी होगी तो पाकिस्तानियों की जो जिंदगी है उम्र बढ़ जाएगी, उम्र लाइफ जो है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसके मुताबिक जो है 6 to 8 years बढ़ेगी, इस चीज को वो एक्सप्लेन करता है इसके अंदर, ठीक है। और आगे पर वो सजेशंस देता है कि किस तरह से एयर क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नंबर वन पे वो कहता है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो लाहौर है, ये 2022 की रिपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, 23 की शायद अभी ना ही आई हो, लेकिन अभी भी लाहौर पहले नंबर पे चल रहा है। तो उसके मुताबिक वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट नंबर पर है गंदी हवा के हिसाब से, और आगे कहता है कि सॉरी पाकिस्तानी लाहौर जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, और कहता है कि लाहौर की 15 मिलियन आबादी है और इसके अलावा 6 मिलियन इसकी व्हीकल्स हैं जो कि धुआं छोड़ती हैं, ये इसका इसने स्टेटस बता दिया। दूसरी तरफ इसको कंपेयर करता है वो पिशावर के साथ, कहते हैं जी पिशावर में जो है उसको भी उन्होंने डाल दिया 5th नंबर पर, हालांकि जो पिशावर की जो है 4 मिलियन लोग हैं प्लस 1 मिलियन जो है इसके अंदर क्या है व्हीकल्स हैं, तो उसको 5वें नंबर पर उन्होंने डाल दिया, ठीक है, इन दो सिटीज को। लाहौर को वो इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि लाहौर जो है एक मोस्ट पॉपुलर सिटी तो है, यहाँ पे 15 मिलियन आबादी है, 6 मिलियन व्हीकल्स हैं, और कहता है कि इसके जो इर्द गिर्द हैं वहां पर क्या है एक इंडस्ट्रीज भी है छोटी छोटी जहां पर टायर जलाए जाते हैं, ठीक है, टायर वगैरह जो है वो जलाए जाते हैं और लकड़ी को जलाया जाता है फ्यूल के लिए, फ्यूल के इस्तेमाल के लिए,
और इसी तरह पेशावर की जब वो बात करता है तो पेशावर के बारे में भी वो बताता है कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि लिमिटेड लिमिटेड सी इंडस्ट्री है पेशावर के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं आपको। सेकेंडली वो बताता है, ये उसने बता दी वर्ल्ड एयर रिपोर्ट, एंड सेकंड वो कहता है, ये बात करता है, ये जो मैंने आपको बताई लाइफ की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहता है कि जिंदगी जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर एयर को कर दिया जाए ना, तो यहाँ पर पाकि लाहौर में और पिशावर में जो जिंदगी है वो 6 से लेकर 8 साल तक लोगों की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जवान हैं वो इस गंदगी गंदी हवा की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वो कहता है ये जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्रीथ सांस की बीमारी का हमारे सामने आ रही है, ये वो इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर देता है सेकंड वाले में। थर्ड वाले में फिर एक नई रिपोर्ट की बात करता है, क्योंकि इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर, इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर की जो स्टडी आई है उसके मुताबिक जो है वो कहता है कि लाहौर के अंदर कुछ अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के अंदर, लोग अवेयर हुए हैं और उस अवेयरनेस की वजह से लोगों ने मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वो अपने घरों में रहते हैं, फजूल नहीं निकलते। ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर उसने एक्सप्लेन कर दिया। आगे वो कहता है अनदर स्टडी, फोर्थ के अंदर अनदर स्टडी वो किसकी है, वो सस्टेनेबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम की है जो पिशावर के अंदर है। अब वो ये कहता है कि तकरीबन जो 60% है ना एयर पोल्यूशन, जो है अनदर स्टडी में वो कहता है कि जो 60% एयर पोल्यूशन है ना पेशावर के अंदर वो रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना, और जो बकाया है वो किससे है, हाउस होल्ड घरों के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल होती है और इंडस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल चीजें होती हैं। फिर यहाँ पर वो एक और कहता है कि असिमिलर एक और स्टडी जो अर्बन यूनिट पंजाब की है, ठीक है, अर्बन यूनिट पंजाब की जो स्टडी है उसके मुताबिक 80% जो पोल्यूशन है, ठीक है ना, वो एयर पोल्यूशन लाहौर के अंदर वो ट्रांसपोर्ट की वजह से है और बकाया जो है वो इंडस्ट्री और प्लस एग्रीकल्चर की वजह से है, ठीक है, और ये वो चीज इसके अंदर बता देता है। आगे वो जस्ट आगे वो चलता है और इसी के अंदर वो ये कहता है कि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 80% व्हीकल्स की वजह से है और बाकी 20% किसकी वजह से है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की वजह से है, और जो गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर के पीछे पड़ी हुई है, किसानों के पीछे पड़ी हुई है, इसके बारे में वो कोई स्टेप नहीं ले रही। आगे नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसके अंदर वो एक्सप्लेन करता है कि हमको जरूरत है पॉलिटिकल कमिटमेंट की, करना क्या है, व्हाट इज नीड, जरूरत किस चीज की है, यहां पर होता था कि व्हाट इज वी नीड, नीड ये है टॉप लेवल पॉलिटिकल कमिटमेंट की है और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर लेने पड़ेंगे और पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, और इसकी वो एग्जाम्पल देता है बड़ी प्यारी सी, यहाँ पर एग्जाम्पल वो ये देता है पेशावर की, कहता है पेशावर के अंदर ये हुआ है कि सिविल सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव के अंदर क्या किया गया है, पेशावर क्लियर एयर अलायंस बनाया गया है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उसकी कोलेबोरेशन के साथ विद बैंक ऑफ खैबर, इन सब ने मिलकर क्या किया, एंड नॉर्थ वेस्टर्न हॉस्पिटल टू प्रमोट अवेयरनेस एंड रिसर्च ऑन द इशू, ये सब ने मिलकर क्या किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि हम पेशावर की जो है एयर को साफ करेंगे। नेक्स्ट वो आ जाता है जी सॉल्यूशंस के ऊपर, शॉर्ट टर्म, पहले वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देगा फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देता है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में नंबर वन के ऊपर वो क्या कहता है, नंबर वन के ऊपर कहता है इंस्टॉल स्टैंडर्ड एयर मॉनिटर्स, स्टैंडर्ड एयर मॉनिटर्स कहता है इनको इंस्टॉल किया जाए, स्टैंडर्ड एयर मॉनिटर्स को। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो है डेली का जो डाटा है वो कलेक्शन की जाएगी और उस डाटे को जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर जो है उनके पास भेजा जाएगा ताकि वो बेहतर लाहे अमल तैयार कर सकें। सेकंड वो कहता है कि यूरो 4 और वी कंप्लेंट, ये ना फ्यूल की टाइप है जो कि इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में, कहता है इनको क्या किया जाए, इन पेशावर एंड लाहौर के अंदर एटलीस्ट इनको क्या किया जाए, इनको अवेलेबल किया जाए स्पेशली उन महीनों में जब स्मोग होती है, जैसे कि नवंबर का महीना हो गया और फरवरी का महीना,
हो गया। तो इस वाला जो ये वाला फ्यूल जो है वो इस्तेमाल किया जाए पिशावर और लाहौर के अंदर, ताकि ये कम से कम जो है वो धुआं छोड़े और कम से कम जो है वो पोल्यूशन हो। नंबर थ्री कहता है कि डीजल जो है, डीजल फ्री डेज होने चाहिए, क्योंकि उसने इसमें ये कहा है कि जो ज्यादातर डीजल वाली गाड़ियां जो है वो ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, तो कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जहां पर आप जिन दिनों में आप डीजल बंद कर दें ताकि वो गाड़ियां भी ना चल सके, डीजल फ्री डेज होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी हर एक सजेशन प्रैक्टिकल है या नहीं है, बट क्या करें, डाउन वाला है, उसने ये एडिटोरियल ओपिनियन किसी का जो है छापा है, उमर मुख्तार खान है, इनका ये ओपिनियन है, तो उसने जो जो एक्सप्लेन किया है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नो डाउट इनमें कई ऐसी चीजें होंगी जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली इन परस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन कुछ सजेशन जो है वो एप्लीकेबल होंगी, वो आपने खुद इसमें से देख लेनी है। नंबर फोर पे आ जाएंगे। नंबर फोर पे वो कहता है कि बसों का इस्तेमाल किया जाए, ये अच्छी बात उसने की है, यूज ऑफ बसेस, ठीक है, यूज ऑफ बसेस किसके लिए, स्कूल के लिए, सेक्रेटेरिएट के मुलाजमों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, फैक्ट्री स्टाफ के लिए, तो ये सारे के सारे क्या करें, बस का इस्तेमाल करें, अपनी पर्सनल जो है गाड़ी को इस्तेमाल ना करें, तो उससे ऑटोमेटिकली धुआं जो है वो बेहतर होगा, कम होगा। पांचवें नंबर पर कह रहे हैं एक्सप्लोर ओड एंड इवन नंबर्स, ओड एंड इवन नंबर्स, किसके जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसी का ताक है, किसी का जुफ्त है, तो कहता है कि उनको क्या करें, अल्टरनेटिव डेज के अंदर वो रोड के ऊपर आए, कि एक दिन जो है ओड वाली नंबर वाली आएंगी, एक दिन इवन वाली नंबर वाली आएंगी, जो कि इम्पोसिबल है, बट उसकी सजेशन उसने ये दे दी है। एंड नंबर सिक्स वो कहता है अवेयरनेस कंपेन, अवेयरनेस कंपेन दी जाए लोगों के, कि लोग जो है वो अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करें जो कि जरूरत है, जैसे कि मास्क वगैरह पहने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और ताकि एयर क्वालिटी को बेहतर किया जाए। ये कौन से हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं इसके पोल्यूशन को कम करने के। अब जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे अबाउट द ऐसे, तो बेटा यही ऐसे होता है, ठीक है, बस आपको लिखना आना चाहिए अच्छे अल्फाज के अंदर, इंफॉर्मेशन यही होती है। तो इसके अंदर जो है कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं चीजें, कुछ नहीं है, जैसे कि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात करूं तो पहले वाली एप्लीकेबल है, दूसरे वाली एप्लीकेबल है, ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ठीक है, नंबर थ्री वाली, फोर वाली हो सकती है एप्लीकेबल, फाइव वाली नहीं हो सकती, सिक्स वाली एप्लीकेबल हो सकती है, यानी कि जो प्रैक्टिकली चीज है उसकी अगर बात करो। ये तो थी जी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। अब आ जाते हैं हम आगे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर, यहाँ पर वो आके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन करता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के अंदर वो कहता है नंबर वन के ऊपर, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन इंश्योरिंग ए शिफ्ट, शिफ्ट वो जो मैंने पीछे फ्यूल की बात की, उस फ्यूल के ऊपर गाड़ियों को शिफ्ट किया जाए, ठीक है, और जो डीजल वगैरह यूज करती हैं उनको बंद कर दिया जाए, जैसे यूरो फोर है ये वाला फ्यूल है और वी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, क्लीनर फ्यूल जो है वो जो है सारा साल इस्तेमाल किए हैं, उससे क्या होगा, धुआं कम पैदा होगा। नंबर टू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है इम्प्रूव किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है बसें जो है उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों को भी उसकी आदत हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको बेहतर किया जाए। नंबर थ्री, डिस्करेज किया जाए किसको, डीजल बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जो डीजल के ऊपर चलती हैं उनको डिस्करेज किया जाए, ये मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी की होगी अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो नंबर थ्री के ऊपर क्या है, डिस्करेज किया जाए डीजल बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और इसके अलावा जो पुरानी है उनको खत्म कर दिया जाए, रिटायरमेंट का इसने लफ्ज यूज इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर उनको क्या किया जाए, खत्म कर दिया जाए, और इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको, उसके स्टैंडर्ड्स को भी बेहतर किया जाए। और इसके नंबर फोर पे गया कि व्हीकल एमिशन टेस्टिंग रिजीम टेस्ट किया जाए, जी जो व्हीकल्स एमिशन कर रही है ना, यानी कि उनके धुआं जो है उसकी, उसको चेक किया जाए कितना कर दी है, क्या कितनी क्वांटिटी में कर दी है, और ये तो वैसे आप न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने जो ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां उसके ऊपर बैन लगा दिया, तो यही बात ये कह रहा है कि टेस्ट किया जाए जो ज्यादा धुआं छोड़ती है उनको खत्म कर दिया जाए। फ्रस्ट्रेशन जी, तो यहां पर उसने यूज किया अफोरेस्टेशन का वर्ड, अफोरेस्टेशन कंपेन, स्पेशली वो कहता है पेशावर के अंदर, अफोरेस्टेशन बेसिकली वैसा एरिया जहां पर पौधे नहीं लगे हुए वहां पर आप पौधे लगाने ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा, इसको कह देते हैं अफोरेस्टेशन, ठीक है, तो कहते हैं कि आप फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर इसके अंदर करें।
जी इसके अंदर अगर मैं किलिंग एयर की बात करूं तो यही था जो इसके अंदर चीजें थी। इसके अंदर उसने एक्सप्लेन क्या किया आपको, ये जो लिंक दिया है, ऐसे में भी होते ऐसा ही होता है कि लिंक्स होते हैं, कोड डी कोड होते हैं। उसने क्या किया है, पोल्यूशन को लिंक कर दिया है लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के साथ, कि अगर पोल्यूशन नहीं होगी तो लाइफ बढ़ सकती है। फिर इस चीज को उसने साबित किया है रिपोर्ट्स के तहत, कि रिपोर्ट्स जो है मुख्तलिफ वो कह रही हैं कितनी गंदगी है और उससे इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। फिर उसने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दिए हैं आपको, कि शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं। और फिर उसने आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिए हैं, कि लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हैं। अब ऐसे की बात की जाए तो ऐसे में भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लेकिन ऐसे में एक जगह पे आप लोग आकर मार खा जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, कि उसने आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो भी चेक करनी होती है, कि क्या आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिखनी आती है। आइडियाज होते हैं आपके पास, मेजोरिटी आपकी आ जाती है पेपर के दिन तक, लेकिन एक तो डायरेक्शन जो होती है आप वो मिस कर जाते हैं, जो दो मेन रीजन होती हैं कि डायरेक्शन गलत चूज कर लेते हैं स्टेटमेंट की, जो उसने स्टेटमेंट में कहा है वो आप उस तरफ नहीं जाते। एंड सेकेंडली जो होता है ना, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं होती रिटर्न की, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक और आइडियाज को डिलीवर प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से CSS के अंदर 90%+ जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं इंग्लिश ऐसे में। और इसी वजह से जो इंग्लिश ऐसे होता है वो डिफाइन करता है एलोकेशन आपकी कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये था फर्स्ट एडिटोरियल। अब आ जाते हैं ये वाला नवाज शरीफ कम बैक, इसको मैंने सेकंड इसलिए रखा था, अगर पेपर से मैं बात करूँ तो उसके लिहाज से मुझे इसके अंदर वो पॉइंट्स नहीं वैसे खास मिले जो कि पेपर परस्पेक्टिव में होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको नवाज शरीफ की हिस्ट्री के बारे में आइडिया ये दे रही है यहाँ पे मलीहा लोधी साहबा। अब ये मलीहा लोधी जो है, ये भाई मलीहा लोधी UNO के अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की रह चुकी हैं, ठीक है, फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं, और तो USA UK एंड UN के अंदर ये क्या चल रह चुकी हैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव। ये बेसिकली कहना क्या चाह रही है, कह रही है कि नवाज शरीफ आ तो गया है लेकिन अब क्या है, मल्टीपल चैलेंजेस हैं इसको फेस करने पड़ेंगे, मल्टीपल चैलेंजेस, जिसके अंदर एक ये है कि रेनोवेटिंग हिज पार्टी, री इन्वेंटिंग हिज पार्टी, अपनी पार्टी को भी बेहतर करना पड़ेगा, इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो इसके अंदर ये पहले तो एक्सप्लेन करेगी स्टेप बाय स्टेप डेट के हिस्ट्री को थोड़ा सा, और उसके बाद ये बताएगी कि पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है इसकी पार्टी को, उसको कैसे हल किया जा सकता है, क्या सोच होनी चाहिए। नेक्स्ट वो बताएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है अपना दूसरे जो हलके हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानियों की सोच किस तरह से बदल चुकी है, लिहाजा नवाज शरीफ को अब नए पाकिस्तानी मिलेंगे जिनकी सोच मुख्तलिफ हो चुकी है। तो जने जी इसके अंदर मैं देख बता देता हूँ आपको कि क्या कहना चाहती है। पहला जो पैराग्राफ है, बेसिकली पहले पैराग्राफ में ये कहती है कि कंट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है, कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसमें बड़ी दफा ऐसा हो चुका है पहले भी, कि एक बंदा जो है वो उसको पहले तो प्राइम मिनिस्टर मान जाता है, उसके बाद उसको जिलो खुवार किया जाता है जेलों के अंदर, ठीक है, कानून के तहत भुट्टो को फांसी दे दी गई, जिया हलाक को जो जहाज है वो क्रैश हो गया। ये मैं अपने से दो चीजें बता रहा हूँ इसने नहीं लिखी, इसने ये लिखा है, इसने सिर्फ जो है यही बात की है कि निकाल भी दिया जाता है उनको मुल्क से, बाद में वो आकर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो फिर वो बात करती है आगे, कहती है कि 2 डिकेड्स अगो, 2 सदी जो है, डिकेड कहते हैं 10 साल को, तो इसका कहने का मतलब 20 साल पहले जो है, ओवर 2 डिकेड्स अगो जब इसको निकाला गया था मिलिट्री कोप की वजह से, ठीक है ना, तो उस वक्त कहा गया था इसका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ, वो वापस आ गया, ठीक है, और 2013 के अंदर वो क्या करता है, वापस आता है और आकर इलेक्शन जीतता है और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक हो गया जी। अब वो कहती है कि उस वक्त ये कौन सा थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गया, 2013 के अंदर मुशरफ ने इसको निकाल दिया, ठीक है, 2013 में वापस आए जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए फिर पाकिस्तान के आगे। अब वो कहती है कि ये 2024 में आया है, 4 साल बाद तकरीबन, ठीक है, तो अब दोबारा से ये क्या करेगा, अपना PM बनने की कोशिश करेगा 4th टाइम, ठीक है, क्योंकि पहले भी ऐसे इसके साथ हो चुका है, लेकिन अब जो है कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इसको फेस करने पड़ेंगे, ठीक, पहले ये बात को इसके अंदर एक्सप्लेन कर देती है। सेकंडली वो बताती है आगे थोड़ा सा कि शरीफ जो का जो पॉलिटिकल कैरियर है यहाँ पर उसको डिस्कस करती है, कि पहले जो था इसको
कभी भी ये अपने टर्म जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाया। जितनी दफा भी ये प्राइम मिनिस्टर बना है, इसको कभी टर्म मुकम्मल करने ही नहीं दी, उससे पहले इसको नीचे उतार दिया जाता है। और ये कब होता है, कभी इसको मिलिट्री उतार देती है और कभी इसको प्रेसिडेंट इसकी खत्म कर देता है। प्रेसिडेंट के पास पहले पावर्स थी, लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट्स की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास अमेंडमेंट्स नहीं, पावर्स नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर को उतार सके, ठीक है। तो मिलिट्री इसको उतार देती थी, और लास्ट टाइम जाती है जब वो उतरा था 2017 में, इसको उतार दिया गया था। और तब आपको पता है क्या हुआ, जुडिशरी के बजाय इसके ऊपर पनामा केस चलाकर और वो सारे एलिगेशन लगे, और जुडिशरी ने फिर इसको क्या कर दिया, इनको उतार दिया। आगे वो कहती है कि ये तो होगी इसकी हिस्ट्री की बातें, अब आने आगे फिर क्या होता है कि बाद में पीडीएम कोलेशन की बात होती है, कि पीडीएम को लेकर क्या होता है कि एक गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर बनती है जो कि इमरान खान को उतार देती है, और पीडीएम जो है एक गवर्नमेंट बना देती है, और इसमें यहाँ इसके छोटे भाई जो है शहबाज शरीफ शाह, उनको क्या बन दिया जाता है, वो पीएम बन जाते हैं। और इसकी शहबाज की वो थोड़ी सी बात करती है, कहती है शहबाज शरीफ जो है वो इतना पॉपुलर नहीं था, ना उसके पास इतनी पोलिटिकल स्किल्स थी जितनी नवाज शरीफ के पास थी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पंजाब के अंदर पुअर मैनेजमेंट उसकी हुई है इकोनॉमी की, ठीक है, कि इसने पुअर मैनेजमेंट किया है इकोनॉमी को, और क्राइसिस जो था वो वर्स्ट क्राइसिस से इनके फेज में क्या हुआ है, पाकिस्तान गुजरा है। फिर वो कहती है कि ये इस बात को कि इनको टारगेट करना भी गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ये दो काम हुए हैं ये कोई एक दिन से नहीं हुए, बल्कि ये रिजल्ट है पॉलिसीज का जो पीछे हम लोग इस्तेमाल करते रहे पिछले सालों में, प्लस जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मैं यहाँ सॉरी, मुझे एक चीज याद आ गई है, मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है ना, ये हमेशा एक बड़ी आपको होती है कि यार ये पाकिस्तान का लाहौर ही क्यों पहले नंबर पे आ जाता है। तो मैं थोड़ा आपको रियलिटी चेक भी दे दूं, लास्ट ईयर हम कोई पढ़ रहे थे एडिटोरियल वगैरह और सच पेपर शायद पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने ये चीज पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। होता ये है ना कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, जो ये काम करते हैं, वो डाटा कलेक्शन करते हैं मुख्तलिफ चीजों पर, इलाकों से, मुख्तलिफ गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट कभी भी सही डाटा नहीं देती है, अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहती। इस तरह पाकिस्तान के भी जो पब्लिक सेक्टर है वो सही डाटा नहीं देते, वो यही कहते हैं कि साफ सुथरा ही हमारा। लेकिन पाकिस्तान में ना ये लाहौर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गर्म के अंदर ये वाले जो मैंने आपको बताया था ना पीछे, जो मेयर करते हैं, ये छोटे छोटे एक होते हैं 2-4-5 लाख का आई थिंक बन जाता है, तो ये टावर लगाए जाते हैं जो कि पॉल्यूशन को मेयर करते हैं। तो ये जो लोगों ने प्राइवेट लगाए हुए हैं ना घरों के ऊपर, ये प्राइवेट जो है ना इन्होंने लगाए हुए हैं, और इसका डाटा जो है ना ये बेचते हैं आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और उस डाटे से वो करेक्ट डाटा होता है, तो उस डाटे से वो पाकिस्तान को फिर क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं लाहौर को। क्योंकि तो एक बड़ा 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 क्वेश्चन है कि साथ ही हमारे जो क्या है इंडिया है, तो इंडिया की बॉन्ड्री थोड़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी है, तो वो हमसे साफ है तो हम उससे गंदे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद गंदे होते हैं, खुद बताते हैं पर्सनल मफादात के लिए। तो कौमें तबाह होती हैं जब आप पर्सनल मफादात के लिए, सारी दुनिया बहुत गंदी है लेकिन पाकिस्तान को गंदा जो है वो शो करवाया जाता है इस तरीके से। ये मेरे जहन में आ रही, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ तो उम्मीद है क्या रही थी कि शहबाज शरीफ ने जो प्रॉब्लम्स देखी इकोनॉमी को सही तरह सेटल नहीं कर सके, तो वो उसकी पैदा की हुई नहीं थी, बल्कि जो पॉलिसीज पहले बन चुकी थी और मुल्क के अंदर जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी चल रही थी, उसकी वजह से ही सारे मामला हुए। आगे वो यहाँ पर जाकर डिस्कस करती हैं कि जो पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, वो कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई। और इसको फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताती है कि 1997 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़े थे ना, तो 59% जो था इनका वोट था पॉपुलर था, ठीक है। उसके बाद बताती है कि जब इन्होंने 2013 के अंदर इलेक्शन लड़े तो 47% पे ये लोग आ गए, और जब 2018 में इलेक्शन लड़े हैं तो ये आ जाते हैं 35% के ऊपर। पॉपुलर वोट जो इनका किस तरह से डाउन जा रहा था, इसके ऊपर वो बात करती है। जहां तक हो गया, आगे आ जाएगी। आगे वो कहता है कि आगे वो अब कहती है कि अब करना क्या है, इनको करना क्या चाहिए। वो कहती है कि अब जो सूरत हाल सारी बनी हुई है कि नीड अ न्यू नरेटिव, इनको एक नए नरेटिव की जरूरत है, ठीक है, नया नरेटिव चाहिए। वो पुराने वाला जो है ना बरादरी सिस्टम वाला, जिस तरह से ये जीते रहे थे बरादरी कनेक्शन और लोगों को पैसे दे लिए और खरीद लिया, तो शायद वो अब काम ना करे पुराने वाला स्टाइल। तो इनको क्या किया जाए, इनको ना एक नया नैरेटिव नवाज शरीफ को लेके चलना पड़ेगा, अगर ये जीतना चाहता है, चौथी दफा ये क्या करना चाहता है, पीएम बनना चाहता है, पुराने काम से तरीके से काम नहीं चलेगा। और
उसके लिए सो क्या करना पड़ेगा, ऑफर करना पड़ेगा क्या, पॉलिसी सॉल्यूशंस। पॉलिसी सॉल्यूशंस इसको क्या करने पड़ेंगे, ऑफर करने पड़ेंगे, पॉलिसीज के मुताबिक काम करना पड़ेगा, पॉलिसीज के मुताबिक इसको बताना पड़ेगा। फिर वो यहां पर बात करती है, यहां पर आ जाते हैं कि फर्स्ट जब ये आया है वापस, तो इसने एक पब्लिक स्पीच की है। उस स्पीच के अंदर इसने क्या किया, इसने बताया मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे घर वालों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके ऊपर जुल्म और सितम हुआ है। उसके बाद इसने बताया कि मैंने जब जब मैं पावर में था तो मैंने कितना काम किया है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मोटरवे बनाई है, इकोनॉमी को बड़ा मैंने डेवलप किया, ये सारी चीजें इसने बताई हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, अगर मैं लिखूंगा तो ये बड़ा टाइम जाया होता जाएगा, तो आप सुनते जाए इसको, ठीक है ना। लेकिन वो कहती है कि फिर उसके बाद इसने एंड फिर इसने कहा कि मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं क्या करने आया हूँ, मैं लोगों को सर्व करने के लिए आया हूँ। एंड फाइनली इसने कहा कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैनल्स हैं उनको रेफर किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये मसला है, वो मसला है, पाकिस्तान तबाह हो बर्बाद हो गया है, और जो करने वाली बात थी वो इसने की नहीं। वो क्या थी, इकोनॉमी का रोना इसने रो दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो गई, ये मसले मसाइल हैं। बट डिड नॉट से हाउ ही प्लान टू एड्रेस, इसने क्या तो प्लान किया, बताते हैं ना, प्लान टू एड्रेस, ये एक चीज इसके अंदर अच्छी थी, मैंने कहा आपको हाईलाइट कर दूं, इसने सारी बातें की। लेकिन ये इकोनॉमी भी खराब है, ये भी, लेकिन इस इकोनॉमी को सही करना कैसे है, इसको कैसे बेहतर करना, ये बात है इसने की, जो कि एक लीडर को करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने ये वो बात नहीं की, तो इसको वो करनी चाहिए नहीं थी। और कहती है कि लोग अब ये नहीं सुनना चाहते कि इकोनॉमी तबाह होगी, लोग अब ये सुनना चाहते हैं कि इसको हल सही कैसे करना है, ये अपने लीडर से सुनना चाहते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे और इसको बेहतर करेंगे। और बेसिकली इसी को मैनिफेस्टो कहा जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अब हम यहाँ पर आगे, अब आगे क्या होता है, अब वो कहती है कि वेरी डिफरेंट पाकिस्तान, वेरी डिफरेंट पाकिस्तान मिलेगा, मिलेगा इसको नवाज शरीफ को, जो ये 4 साल पहले छोड़ गया था ना, 4 साल पहले ये छोड़ के चला गया था ना, उससे बहुत ही मुख्तलिफ पाकिस्तान अब है। कैसे, वो आगे बताती है। वो कहती है कि वेरी डिफरेंट पाकिस्तान पोलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, इन तीनों परस्पेक्टिव में पाकिस्तान बहुत चेंज हो चुका है। कैसे, कि पाकिस्तान के अंदर जो खान है वो बड़ा पॉपुलर हो चुका है, और खान बड़ा पॉपुलर हो चुका है, और सेकेंडली वो कहती है कि जो पीटीआई जो है ना, कंटिन्यूइंग पॉपुलरिटी एंड इट्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, पीटी जो है वो सीधी सीधी फौज कहती है कि फौज तबाह कर गई है मुल्क को, सीधी सी बात करती है कि फौज खा गई है मुल्क को, फौज ने बड़ा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। तो ये जो नैरेटिव है ना पीटीआई गवर्नमेंट का, इसकी वजह से और इमरान खान की पॉपुलरिटी की वजह से अब जो लोग हैं उनकी सोच बदल चुकी है, और खास तौर पर जो जवान लोग हैं, यंग पीपल, उनकी सोच बड़ी बदल चुकी है। और वो कहती है कि यंग जो है वो तकरीबन 47% है अब हमारे वोटर्स जो हैं, तो इसलिए जो है अब जो है पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। और आगे वो कहती है कि जो अर्बन मिडिल क्लास है वो भी, उसकी भी सोच बदल चुकी है। अर्बन मिडिल क्लास अब चाहती है कि उसको डेट वांट्स अ बिगर वॉइस इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, कि वो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के अंदर अपना हिसाब चाहती है, ठीक है ना। तो अब क्या है, उसका जो पुराना स्टाइल था ना पॉलिटिक्स करने का, ट्रेडिशनल वे ड्राइंग पॉलिटिक्स, वो काम नहीं आने वाला। अगर उसने उसी स्टाइल से काम किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। और इसके बाद वो आगे ये भी कहता है कि पहले ये था कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो थे उसके साथ काम चल जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब काम खराब हो चुका है, अब सारी की सारी गेम जो है वो किसके हाथ में जा चुकी है, मिलिट्री के हाथ में जा चुकी है, ठीक है। और इसने बात की थी अपने खिताब के अंदर हार्मोनी अमंग इंस्टीट्यूशंस, हार्मोनी वाली तो बात ही नहीं रही, अब सारे का सारा डिसीजन किसने करना है, आर्मी ने ही करना है। आगे वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डिस्कस करती है अगले फेज के अंदर। वो कहता है जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है ना इकोनॉमी की, वो बड़ी खराब हो चुकी है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बढ़ रहा है डिफॉल्ट होने से, ठीक है ना, डिफॉल्ट होने से। और इसके अलावा हथियार बहुत ज्यादा हमने देना है, ठीक है, पेमेंट हमारे पास बहुत कम है। तो इन सारी चीजों को वो एक्सप्लेन करती है, कहती है ये अब पाकिस्तान की सूरत हाल है इकोनॉमी की। और यहाँ पर वो कहती है द कंट्री डेस्परेट टू नीड्स एन इकोनॉमिक विजन, क्या जरूरत है इकोनॉमिक विजन की, एंड होम ग्रोन प्लान, ठीक है, होम ग्रोन प्लान और स्वीपिंग रिफॉर्म्स टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। इकोनॉमिक विजन की जरूरत है कहती है, और होम ग्रोन प्लान्स की जरूरत है, जो किसने देना है, जो लीडर्स ने देना है, किसके लिए,
इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी की सूरत हाल बड़ी खराब हो चुकी है, अगर इसको बेहतर करना है तो फिर ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये किसके एक चैलेंज है, किसके लिए? नवाज शरीफ के लिए, और उसको इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, पुराने तरीके से गेम ना खेलें। आगे डील विद लीगल, आगे वो कहती है कि लीगल चैलेंज भी उसके पास एक आगे पड़ा हुआ है। एक तो इकोनॉमिक चैलेंज है और एक लीगल चैलेंज भी नवाज शरीफ के पास पड़ा हुआ है। वो क्या है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, पब्लिक ऑफिस में भी नहीं जा सकता और इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। हाँ, इसकी अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की हुई है और उसका जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाते हैं, और उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटीज ने जो भी अमेंडमेंट्स की हैं उसके मुताबिक अगर इसको मौका मिल जाता है तो वेल एंड गुड, मगर फिलहाल इसके लिए क्या है, ये एक चैलेंज, लीगल चैलेंज भी अभी पड़ा हुआ है जिसको इसको फेस करना पड़ेगा। और आगे वो कहता है कि एंड पर वो कहती है, व्हाइल ही एंजॉयिंग द एस्टैब्लिशमेंट स्पोर्ट्स नवाज शरीफ हैज द सलाह ऑफ इंपोजिंग चैलेंजेस टू निगोशिएशन। ठीक है, सबको नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट इसको मिल रही है, मगर फिर भी क्या है, इसको कई चैलेंजेस हैं जिनको इसको फेस करना पड़ेगा। सो ये था जी नवाज शरीफ कमबैक वाला। इसके नीचे वाले जो एडिटोरियल था डैड थोड़ा सा था, और आज के लिए यही काफी था पेपर पर्सपेक्टिव में। तो जी अब आप लोगों ने क्या करना है जी, कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी कर लें, और ये जो जो करते हैं सारा कुछ कर लें और इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कैंडिडेट्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सो जी हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच।